प्रणाम। सभी तपस्वी शाता में हैं। आज कई बाल तपस्वियों ने आइम्बिल, चौबिहार आदि तप किए होंगे। इन सभी को शाता पूछते हैं। आज पूज्य तपस्वी महात्मा परम पूज्य आचार्य भगवान हंस रत्न सुरेश्वरजी महाराज साहेब ने संपूर्ण विश्व कोरोना के प्रकोप से मुक्त हो ऐसी मंगल भावना और दृढ़ संकल्प के साथ ऑलरेडी 48 उपवास के उपरांत आज 16 उपवास के पचखान लिए। अपने मौज शौक के लिए विदेश के प्रवास में हम गए थे। व्यापार को बढ़ाने के लिए भी विदेश हम जाते हैं। हमारे पास कोई सीमा नहीं है ना? जैसे कि साल में करोड़ रुपए कमाने हैं, यदि जल्दी कमा लिए तो बाकी के महीने धर्म ध्यान करूंगा या फिर इतने ही देशों में व्यापार बढ़ाऊंगा। उससे ज्यादा देशों में से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो भी नहीं करूंगा। आज 14 के प्रतिक्रमण में अतिचार ध्यान से सुना होगा ना, तो छठे दिक परिमाण व्रत में ये ही सारी बातें आती हैं। फिर भी हमारे जिन शासन में ऐसे कट्टर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपनी सीमाएं भी तय करके रखी है और उन्हीं के पन्नोदय से समाज की नींव टिकी हुई है। आशा है हमारा ऑडियो सुनने वाले सभी उद्योगपति भी जल्दी इस लिस्ट में प्रवेश करेंगे। आज चारित्र पद का दिन, हमारे ही गलती की वजह से कहीं ना कहीं हमारे गुरु भगवंतों को अंतराय हो रहा है। आज कई जगह पर महात्माओं को निर्दोष गोचरी ना मिलने की वजह से शरीर संभालने हेतु उपवास बेला तेला के ऊपर वापर रहे हैं। कई महात्माओं ने विश्व शांति के हेतु मक्कम अभिग्रह भी धारण किए हैं। हम तो इन 14 दिनों में घर पर बोर हो गए होंगे ना। सोचिए ना, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी भर कमाया, बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स अपॉइंट किया, फॉरेन डिजाइन्स के फर्नीचर करवाए और उसी घर में सिर्फ 14 दिन रहकर हम बोर हो गए। तो अब तो जागो, सिर्फ जिंदगी भर दिखावे की संपत्ति हम जमा करते रहेंगे या खुद की आत्मा की संपत्ति कमाने धर्म ध्यान भी करेंगे? सोचना, हमारे महात्मा तो चौमासे के चार चार महीने एक ही स्थान पर रहकर खुद भी साधना करते हैं, हम सबको भी करवाते हैं। इस लॉकडाउन में घर के अंदर रहकर भी बाहरी दुनिया की चिंता में रहने वाले हम कहां, और इसी परिस्थिति में रहकर हमारे गुरुदेव भी उनके चौमासे हेतु विहार स्थगित हुए, प्रतिष्ठा वर्षितप के पार ने, लंबी उग्र तपस्या के पार ने आदि स्थगित होने के बावजूद भी वे अपनी आंतरिक साधना के आनंद में लगे हुए हैं। हमारी बहनें तो आईब्रो आदि मेकअप की चिंता में होगी ना, लॉकडाउन खत्म होने का इसीलिए इंतजार कर रही है कि बस जल्दी काम वाली घर में आ जाए और फिर थोड़ा फेशियल और हेयर स्पा करा लाऊं। हमारे भाई भी हेयर स्टाइल की चिंता में होंगे, हेयर कटिंग जो नहीं की होगी इतने दिन। एक बार हम सब आंखों के सामने वे साधु जीवन को लाते हैं, नन्हे नन्हे बाल मुनि इस भयंकर गर्मी में भी बिना हवा के साधन बिना नहाए रहते हैं, ऊपर से हर 6 महीने में लोच करवाते हैं। हमारे पास तो घर पर खाने पीने की जीवन जरूरियात की सारी सामग्री है, फिर भी हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और एक और हमारे महात्मा है जिनके पास कोई भी चीजों का परिग्रह नहीं है और ना ही उन्हें कल की चिंता है। वे निर्भय होकर जीते आते हैं और जी रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी शक्ति पर यकीन है और गुरुवर को देव गुरु और धर्म की श्रद्धा की शक्ति पे यकीन है। ये सारी बातें करने का तात्पर्य इतना ही है, सिर्फ आप मैं अकेले या हमारा देश ही इस महामारी में नहीं फंसा हुआ है, पर पूरा विश्व फंसा है। इसीलिए भविष्य की आर्थिक परिस्थिति की भी अभी से चिंता करके वर्तमान को बिगाड़ने की बजाय ऐसा पुण्य उपार्जन करें, क्योंकि देखा ना आपने, अमेरिका जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, उसने भी भारत के पास जरूरी दवा और मास्क देने की अपील की है। कहने का इतना ही तात्पर्य कि भविष्य में भी जो हमारे पास टैलेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होके कामकाज के दरवाजे खुलेंगे और परिस्थिति हमारे लिए बेहद अनुकूल होगी। और तब तक हमारे ऐसे महात्मा का अभिग्रह को आदर्श बना के हम भी ये पूरे विश्व में अनुकूल परिस्थिति ना हो तब तक अपनी कोई फेवरेट चीज का त्याग करें, रोज की एक सामायिक करेंगे, ऐसा अभिग्रह लेके दृढ़ संकल्प के साथ
इस महामारी को शांत करने में अपना योगदान दे, ऐसी नम्र अपील के साथ आज के ऑडियो को हम विराम देते हैं।